क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे, स्ट्रिंग पूली वाला, राइट। हाँ सर, एक और लास्ट टाइप है प्रॉब्लम का, चलो वो भी देख लेते हैं। एक पुली है जिसको एक्सेलेशन ए से ऊपर खींच रहे हैं, लेट इट बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर खींच रहे हैं। इस पुली पे स्ट्रिंग के हेल्प से 2 ब्लॉक अटैच है, एक 5 केजी का और एक 10 केजी का। 2 ब्लॉक से तुमको यहाँ पे पता करना है, तुमको फाइंड एक्सेलेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इस बार ये जो पुली है ये खुद एक्सेलेट हो रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उस पुली में, इस पुली में 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं स्ट्रिंग के हेल्प से, 5 केजी 10 केजी। तुमसे पूछ रहा है कि 10 केजी का एक्सेलेशन और 5 केजी का एक्सेलेशन कितना होगा, और साथ ही साथ ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे, इस स्ट्रिंग में कितने का टेंशन होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? देख लिया सबने, सॉल्व करें इसको। देखो यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत है। अगर कोई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेगा, ध्यान से देखो सुन लो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कोई देखेगा तो ये दोनों जो ब्लॉक्स होंगे ये अलग अलग एक्सेलेशन से एक्सेलेट होंगे। भले ये सेम पुली से बंधे हुए हैं, सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, बट जो स्ट्रिंग जिस पुली के ऊपर लपेटा गया ना, दैट पुली इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलेरेशन, ठीक है। इस केस के लिए क्या होता है, इस केस में इस ब्लॉक का एक्सेलेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलेशन डिफरेंट होता है। पहले वाला केस नहीं है कि इस पुली को हम क्या करते थे, फिक्स करते थे और इस पे धागा ऐसे वाउंड करके 2 ब्लॉक अटैच करते थे, और इस केस में इन दोनों का जो एक्सेलेशन होता था उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता था, ठीक है ना। ये चीज पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अभी क्या है, ये पुली यहाँ फिक्स नहीं है, इस पुली को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलेट करवा रहे हैं ऊपर की तरफ। इस केस में जो एक्सेलेरेशन होगा दोनों ब्लॉक का, डेट विल बी डिफरेंट। क्लियर है ये चीज? अब इसको हम हाँ सेम सर, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो जब सेम नहीं लेंगे तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा समझना। पहला कॉन्सेप्ट, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पुली पे बैठ गया, समझना, अगर कोई पुली पे बैठ गया, इस पे बैठ गया और इस पे बैठ करके इन दोनों ब्लॉक का मोशन देखेगा। दूसरा ध्यान से सुन लो कि अगर तुम इस पुली पे बैठ गए और तब इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन देख रहे हो, तब एक्सेलेरेशन, इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन विल बी सेम बट दे विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन। दो जगह से पुली को ऑब्जर्व करेंगे, पहला कहां से, ग्राउंड से। अगर ग्राउंड से ब्लॉक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन दोनों का एक्सेलेरेशन डिफरेंट है। लेकिन अगर ग्राउंड पे कोई बैठा हुआ आदमी है, उसको अगेन उठाकर कहां रख दे, पुली पे रख दे, एंड पुली इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो होता क्या है कि ये जो एक्सेलेरेशन है वो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को मिल जाएगा और इस पे बैठने के चलते अब एक ब्लॉक तुमको ऊपर जाता हुआ दिखेगा और दूसरा ब्लॉक तुमको नीचे आता हुआ दिखेगा विथ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन। इतना बात क्लियर है? तो सर अब कभी भी तुमको जिस भी क्वेश्चन में पुली का कुछ एक्सेलेरेशन दिखे, पुली एक्सेलेट कर रहा है उस क्वेश्चन में, तुम क्या करोगे, उस क्वेश्चन में यही 2 कॉन्सेप्ट लगाओ कि जो सेम स्ट्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड होंगे उनका भी एक्सेलेरेशन सेम नहीं मानेंगे यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि अगर पुली पे बैठाएंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू पुली एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलेरेशन का वो सेम होगा और उनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम मान सकते हो ये जो ब्लॉक है ये A1 से ऊपर जा रहा है और ये दूसरा ब्लॉक भी A2 से ऊपर जा रहा है, दोनों को हमने किधर माना है,
ऊपर ही माना है। दोनों का एक्सेलेशन किधर लिया? मैंने बोला था कि एक्सेलेशन में, एक्सेलेशन के डायरेक्शन में कभी दिमाग नहीं लगाएंगे, वो मैथमेटिक्स सॉल्व करके बता देगा, तुमको अपने से सोचने का जरूरत नहीं। अगर दोनों नेगेटिव आ गया, गलत तुमने डायरेक्शन लिया, अगर दोनों पॉजिटिव आ गया तो तुमने सही डायरेक्शन लिया, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो जिसका नेगेटिव आया उसका तुमने उल्टा डायरेक्शन लिया, तो हमने एक्सेलेशन मान लिया। अब रस्सी को काटोगे तो क्या दिखेगा? टेंशन दिखेगा। टेंशन देखने के लिए क्या करना होता है? रस्सी को काटना होता है। काट दो यहाँ पे और यहाँ पे, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, इसमें भी ऊपर की, इसमें भी ऊपर की तरफ की। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या दिखेगा तुमको? ऊपर टेंशन टी, नीचे क्या लगेगा? अगर मैं जी को टेन लू तो नीचे का एक्सेलेशन, नीचे जो फोर्स लगेगा डेट विल बी 50, ठीक है? हाँ, और ऊपर ये ए से अगर एक्सेलेट हो रहा होगा तो अगर इसका इक्वेशन लिखोगे, इसका इक्वेशन लिखोगे तो इट विल बी टी माइनस 50 इज इक्वल टू 5a1। पहला इक्वेशन क्लियर है, पहला इक्वेशन ये होगा। अब चलते हैं दूसरे ब्लॉक के पास। अगर दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो टेंशन ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ इसका वेट दैट विल बी 100 न्यूटन। इसको भी हमने क्या माना है कि ये ए टू से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है, तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखोगे इट विल बी टी माइनस 100 इज इक्वल टू हाउ मच? 10a2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है? अब देखो होगा क्या कि अब इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें कि इक्वेशन दो है लेकिन अननोन कितने हैं? तीन है। अननोन तीन है, तो इसके लिए तुम्हें थर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और वो जो थर्ड इक्वेशन था जो हम कहां से निकाल रहे थे, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, वर्क डन वाला। तो वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन हम कब यूज करते हैं? व्हेन पुली इज, जो पुली जो है वो एक्सेलेरेट नहीं कर रहा हो, वो वर्क डन हम कब कैलकुलेट करेंगे? जब ये दोनों ब्लॉक जिसके साथ अटैच्ड है ना, उसके साथ जो पुली कनेक्टेड है दैट इज नॉट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेटिंग। यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर करते हो तो T1A1 प्लस T2A2 अगर यहाँ अप्लाई करोगे इट विल बी जीरो, सो A1 इज इक्वल टू माइनस A2 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, यानी वो वाली कंसेप्ट यूज करके हम थर्ड इक्वेशन नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन का तीसरा कंसेप्ट क्या है कि दिस कंडीशन विल फेल, क्लियर है? ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इस कंडीशन का अब यूज नहीं करेंगे। थर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? थर्ड इक्वेशन निकालेंगे इस पुली पे बैठ करके, जो मैंने क्या बोला कि अगर पुली पे बैठ जाओगे तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा दैट विल बी व्हाट? इसका और इसका एक्सेलेरेशन, इसका और इसका एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम दिखेगा बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो जैसे ही इस पे बैठोगे, ध्यान से सुन लो, जैसे ही इस पे बैठोगे तो क्या होगा? इसका एक्सेलेरेशन इन दोनों ब्लॉक्स को मिल जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव मोशन में बताए थे कि अगर किसी मूविंग बॉडी में बैठते हो तो उसका वेलोसिटी और उसका एक्सेलेरेशन किसको मिल जाता है? इस बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर देखोगे तो इसका एक्सेलेरेशन किसको मिलेगा? इस ब्लॉक को मिलेगा। और अगर इस ब्लॉक को एक्सेलेरेशन दे रहे हो तो इट विल बी A1 - 2 होगा। इसका जो एक्सेलेरेशन होगा A1 - 2 होगा। और अगर इसके रेस्पेक्ट में तुम मान लेते हो कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में, तो ये जो ब्लॉक है ये किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। पुली के रेस्पेक्ट में बैठेगा ना। दैट केस, इन दैट केस यू हैव टू डिसाइड योर डायरेक्शन, क्योंकि जब तुम पुली पे बैठ गए तो अब ये एक चीज कंफर्म हो गया कि वन ब्लॉक विल गो अपवर्ड, द अदर ब्लॉक विल गो डाउनवर्ड। तो तुमको किसी ना किसी एक को ऊपर मानना पड़ेगा, अपने आप दूसरा कहां चला जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर इस ब्लॉक के लिए देखोगे तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलेरेशन होगा नीचे की तरफ कितने से? 2 - A2 से नीचे की तरफ। 2 - A2 क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं यहाँ A2 - 2 क्यों लिख रहा हूँ? A2 - 2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? 2 - A1 क्यों लिख रहा हूँ? वो समझ में नहीं आ रहा सर, वो 2 - A2 क्यों लिख रहा है? 2 - A2 क्यों लिख रहा हूँ? देखो, अगर अगर ये A2, समझना, अगर ये A2 2 से ज्यादा होता तो क्या ये ब्लॉक ऊपर आता या नीचे जाता? ऊपर जाता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस 2 इज ग्रेटर देन A2। अब ये ब्लॉक नीचे जाएगा ना, सही बात समझ में? हाँ। इसको हमने किधर माना है? नीचे जाते हुए माना है। तो विच वन इज ग्रेटर, A2 और 2? 2 2 2 ग्रेटर है।
मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर 2 - A2 नहीं करोगे तो इट विल कम नेगेटिव एंड दैट नेगेटिव विल रिप्रेजेंट व्हाट डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन एरो से शो कर दिया और यहाँ पे एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड दिखा दिया. तो दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल. आ गया समझ में अब सर? हाँ बोलो सर. हम अगर वो A2 का एक्सीलरेशन अगर A2 माइनस 2 दिखाता और वो जो दूसरा है उसको 2 - A1 दिखाता तो कैलकुलेशन में राइट होता? कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता. अगर तुम दिखा रहे हो, तुम 2 - A1 दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू आर कंसीडरिंग दिस ब्लॉक इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. जस्ट तुम्हारा कंसीडरेशन ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा दैट अगेन मैथमेटिक्स विल टेल. फिर तुम्हें कौन बताएगा? मैथ्स बता देगा. अभी तुम्हारा कंसीडरेशन क्या है? तुमने यहाँ क्या क्या माना है एक बार ध्यान से सुन लो. तुमने माना है A1 एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 5 kg व्हिच इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये तुमने माना है. दूसरा तुमने क्या माना? A2 एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक व्हिच इज आल्सो गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और ये सारे कंसीडरेशन हमने कहां से करे हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. इतना क्लियर है? ठीक है. नाउ हम कहां पहुंचेंगे? अब पहुंचेंगे पुली पे. अब पुली पे मैंने क्या बोला कि जैसे ही पुली पे पहुंचोगे तो एक चीज कंफर्म हो गया कि इफ वन ब्लॉक इज गो इन अपवर्ड डायरेक्शन अदर ब्लॉक विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? तो किसी को भी मान लो, अपने मन से अगेन किसी को भी तुम मान सकते हो कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है दूसरा ब्लॉक नीचे आ रहा है, मान सकते हो. ये भी तुम्हारे अभी हाथ में है. और जब ऊपर नीचे दोनों ब्लॉक जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा. दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? वो सेम होगा. तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर इसको ऊपर की तरफ ही ले जाना है तो दिस 2 मस्ट बी लेस देन A1, है कि नहीं? दिस 2 मस्ट बी लेस देन A1, तब तो ये पॉजिटिव आएगा और तुमको पता चलेगा कि यस ब्लॉक इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब बात करते हैं इसकी. अगर इसकी बात करोगे, अगर A2 - 2 लिखोगे, A2 - 2 लिखोगे, इसको जाना कहाँ है? नीचे की तरफ. इसको जाना किधर है? नीचे की तरफ. तो A2 - 2 मस्ट कम नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं? नेगेटिव. ठीक है. So that negative will represent what? That negative will represent basically that body is going in downward direction. So मैंने यहाँ क्या करा है कि direction को मैंने कैसे show कर दिया? Arrow से. कि body किधर जाएगा? नीचे की तरफ, पुली के रेस्पेक्ट में. जिसका acceleration कितना होगा? उसके acceleration का magnitude होगा 2 - A2. क्योंकि हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है मैग्नीट्यूड की, क्योंकि हमने जस्ट बोला कि इन दोनों का जो acceleration का मैग्नीट्यूड होगा विथ रेस्पेक्ट टू पुली दैट विल बी सेम. समझ में आया? हाँ सर. वो पुली के कौन आदमी बढ़ जाते तो उसमें रिस्पेक्ट में जो 2 m/s² उसका एक्सेलरेशन होगा उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लग जाता तो A2 - 2 होगा. बट वो आप बोला था जो ये जो 5 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो 10 kg ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा. तो A2 - 2 और फर्स्ट में एक माइनस साइन लगा देता तो एक ही होता. तो हाँ वही बता रहे हैं. माइनस साइन विल बेसिकली रिप्रेजेंट व्हाट? डायरेक्शन. तो डायरेक्शन को हटा करके मैंने क्या कर दिया? एरो बता दिया, इधर एरो दिखा दिया सीधे और इधर मैग्नीट्यूड लिख दिया. ठीक है. तो दिस ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा इट मस्ट बी सेम. तो थर्ड इक्वेशन क्या है? ऐसे लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू पुली एंड विथ रिस्पेक्ट टू पुली क्या होगा तुम्हारे पास? A1 - 2 विल बी इक्वल टू, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन का और इसका मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन का, दिस विल बी हाउ मच? 2 - A2. ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए. ये तुम्हें देगा इक्वेशन नंबर 3. ये तुम्हें क्या देगा? इक्वेशन नंबर 3 देगा. अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि यही एक थोड़ा सा इधर क्या है, बच्चों को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है. ये जो क्वेश्चन है अगर इसमें पुली को एक्सेलेरेट करवा देता है तो इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि थर्ड इक्वेशन अब वर्क वाले प्रिंसिपल से हम नहीं निकाल सकते. वर्क डन बाय टेंशन इज 0. वर्क डन बाय टेंशन जनरली जब नॉर्मल सिचुएशन होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है, वहां निकालेंगे. इस केस में पुली किसी सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है, वो खुद चल रहा है. ठीक है. पुली चलना शुरू कर दिया तो उससे अटैच जो ब्लॉक्स होंगे उस पर हम टेंशन वाला वर्क डन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. तो क्या करेंगे? पुली पे बैठ जाएंगे, इन दोनों ब्लॉक्स का देखेंगे. इन दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलेरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो अगर तुम नॉर्मल सिचुएशन में इसका देखते तो इट विल बी A2 - 2. ये होना चाहिए था सबके दिमाग में, ये था इस तरह एक्सेलेरेशन हटाते हैं तो A2 - 2 होना चाहिए था. बट इसको नीचे ले जाने के लिए, इसको नीचे ले जाने के लिए दिस शुड बी व्हाट? 2 - A2. नीचे जाने के लिए क्या होना चाहिए? 2 - A2 होना चाहिए.
एंड ये जो माइनस साइन है क्या रिप्रेजेंट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमें किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की. तो इसलिए मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है. अब क्लियर है सबको? ये अभी भी कंफ्यूजन है. समझ में आ गया सबको? जल्दी बोलो. हाँ सर. ठीक है, तो इसको हटा दो, तुम्हारा काम हो गया. इक्वेशन तीन चाहिए, तीन इक्वेशन मिल गया, सॉल्व करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा. ये इक्वेशन थ्री, इसको रखने से पहले थोड़ा सा और इसको ये कर सकते हो. ए वन प्लस ए टू विल बी, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा फोर. अब ये इसको थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो. तो वन टू थ्री, थ्री इक्वेशन थ्री अननोन सॉल्व कर लोगे. बोलो कर सकते हो कि नहीं? इसमें टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. ऊपर वाला जो इक्वेशन है इसमें टू से मल्टीप्लाई करके क्या करो, इसमें ऐड कर दो. तो दिस विल बी हाउ मच? अगर टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, सो दिस विल बी थ्री टी माइनस 200 इज इक्वल टू 10 ए वन प्लस ए टू होगा. इस इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई करा, इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, देखो टू से मल्टीप्लाई, इसमें ऐड कर दो. ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2t प्लस t, 3t, 100 प्लस 100, 200, और इधर 10a प्लस 10a1 प्लस 10a2 में से क्या कॉमन कर सकते हो? ये कॉमन कर सकते हो. अब देखो इस a1 प्लस a2 की जगह क्या रखोगे? इक्वेशन नंबर 3 से a1 प्लस a2 से क्या उठा के रख सकते हो? ये वैल्यू उठा करके रख लो. सो दिस 3t विल बी 40 प्लस 200, इट मींस टेंशन विल बी 240 प्लस 3 व्हिच मींस 80 न्यूटन. टेंशन तुमने कैलकुलेट कर लिया. अब इस टेंशन की वैल्यू कहीं भी उठा करके पुट कर दो. ये जो टेंशन तुमने निकाला है इसको किसी भी इक्वेशन में उठा करके पुट कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा. ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन तुमने माना है, इफ इट कम्स पॉजिटिव मतलब तुमने डायरेक्शन सही माना है, इफ इट कम्स नेगेटिव तुमने डायरेक्शन क्या माना है? उल्टा माना है. ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी भी डायरेक्शन में दिमाग नहीं लगाएंगे. बच्चे उधर दिमाग लगाते हैं, गलती कर देते हैं. ये जब यहाँ पे पुट करोगे ना, ये यहाँ पे पुट करोगे तो तुमको साफ साफ दिख जाएगा कि कौन सा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कौन सा एक्सेलरेशन नेगेटिव है. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर वन में जैसे ही टेंशन रखोगे, रखो टेंशन एक्स, तो कितना आएगा ए वन यहाँ से, कितना आएगा बोलो? इसको यहाँ रखो, ए वन विल बी हाउ मच? इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, अगर इसमें ये पुट करोगे, इसमें पुट करो, कितना आ रहा है? ए टू कितना आएगा? माइनस टू मीटर पर सेकेंड. ए टू आएगा माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक आंसर तुम्हारा माइनस आया, यानी जिसका भी एक्सेलरेशन तुमने ए टू माना है, दैट ब्लॉक विल गो इन व्हाट डायरेक्शन? डाउनवर्ड, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर ए वन पॉजिटिव आया है 6 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दैट ब्लॉक विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिधर तुमने माना था. ठीक है, अब और भी जस्टिफाई करना है, इस ए वन ए टू की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो. ये क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? अगर ए वन पुट करोगे तो इस साइड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. अगर ए वन पुट करते हो तो दिस साइड विल बी हाउ मच? 4. अगर ए टू की वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो दिस साइड विल बी आल्सो 4. ये साइड भी 4. पुट करो 6 माइनस 2 4. ये पुट करोगे 2 माइनस माइनस 2 विल बी 2 प्लस 2 दैट इज 4. जस्टिफाई हो गया ये चीज भी? नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर, समझ में आ गया ना? चलो वेरी गुड. ओ सर, 2 माइनस ए टू एक बार फिर से बता दीजिए. ये एक्सेलेरेशन तुमने कितना निकाला? एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू आया वो मैं बोल रहा हूँ सर, वो जो पुली से बढ़ रहा आदमी वो 2 की तरफ देखेगा, वो 2 तो नीचे की तरफ लग जाएगा, नीचे की तरफ लग जाएगा ना सिंपल कंडीशन में, तो ए टू माइनस 2 होगा. वो सर आदमी जैसे वो पुली की तरह बैठेगा, उसका रिस्पेक्ट में 3 kg का मोशन जो देखेगा वो रेड करने के बाद, वो सिंपल कंडीशन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ लग जाएगा. हाँ, सिंपल कंडीशन तो होगा ए टू माइनस 2. आप बोला था 2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए टू का छोटा है. हाँ,
हाँ तो वो होगा, वो जो मैग्नीट्यूड निकालेगा उसमें माइनस ए टू माइनस टू होगा, जिसमें ही टू माइनस ए टू कर दूंगा उसका तो डिरेक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा ना। अब इतना कुछ बोले हो हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? जो कैलकुलेट हुआ है उसको जस्टिफाई कर दे रहा है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा आंसर कितना? ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, ठीक है? ये जो ब्लॉक हाँ है, ये जो पुल है, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। कैलकुलेशन करने के बाद A1 की वैल्यू आई 6 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, इसका वैल्यू आया कितना से? 2 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, ठीक है? ये तुम्हारा आंसर आया, समझ रहे हो? इतना तो क्लियर है ना, सॉल्व करने के बाद इतना तुम्हारा आंसर आया, ठीक हाँ है? अब इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में पुली पे बैठ के अगर देखोगे तो ये जो ब्लॉक है ये 4 मीटर पर सेकंड से किधर जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर से किधर जाएगा? इसके रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, हाँ या ना? हाँ जाएगा। और दूसरे ब्लॉक के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा तो दूसरा ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आना चाहिए। हाँ देखते हैं आता है कि नहीं, कि अगर ये 2 इसको दोगे तो ये 2 इसमें ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक ओ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। है? तो फिर जब पहले समझ गया हो ना तो बाद में किस चीज का कंफ्यूजन? बाद में जो मैथमेटिक्स से आ रहा है उस पे ट्रस्ट रखो ना। पहले एक बार जो कंसेप्ट लगा ले रहे हो, अब मैथमेटिक्स उसको नेगेटिव ला या पॉजिटिव ला, अब फिर दिमाग मत लगाने लगो कि सर आपने ऐसे बोला, आपने वैसे बोला। कुछ नहीं बोला, जो पहले बोला था वो एक बार अगर कंफर्म है, समझ में आ गया, तो आंसर आने के बाद फिर उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर वही आएगा जो तुमने पहले सोच के करा, वही आ रहा है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। दिस 2, -2 और 2 में कौन बड़ा है? -2 और 2 में कौन बड़ा है? -2 मीटर पर सेकंड में और 2 मीटर पर सेकंड में कौन बड़ा है? 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा है। तो मैंने बोला तो था कि इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, बोला था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग हाँ सर, में बोला था हाँ ना कि सर, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी लेस देन दिस पुली। आ तो रहा है क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो इसका -2 मीटर पर सेकंड और इसका कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो एवरीथिंग जो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था सब चीज वही वही एग्जैक्टली आंसर जो फाइनली आया है वही आया है, क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हें 3 कंसेप्ट याद रखने हैं। कौन कौन से कंसेप्ट? सबसे पहला काम, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? डिफरेंट लेंगे, ठीक है? और अगेन कभी भी डायरेक्शन के पीछे नहीं पड़ेंगे, अपने मन से डायरेक्शन मान लो। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर पुली पे बैठ गया, पुली पे बैठ गया तो दोनों ब्लॉक का जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, वो क्या होगा? सेम होगा। दोनों ब्लॉक के का जो एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रखेंगे? सेम रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर एक का ऊपर कंसीडर करते हो तो दूसरे के कैसे कंसीडर करोगे? दूसरे का नीचे कंसीडर करोगे, क्लियर है? और अगर एक का जो एक्सेलेरेशन लिखने का मैंने तरीका बताया कि अगर एक को पॉजिटिव मान लोगे, अगर इसको पॉजिटिव मानते हो तो जैसे क्या होगा, अगर A1 -2 करोगे तो A1 बड़ा होगा 2 से, तब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है ना? और दूसरा ब्लॉक अगर नीचे आ रहा था तो 2 -A2 लिखोगे। इधर गलती हो जाता है बच्चों से, क्योंकि वो मन में बिठा लिए हैं कि अगर घटा रहे हैं तो दिस शुड बी ऑल्सो A2 -2, लेकिन एक्चुअली में इसको जाना किधर है? इसको जाना किधर है? नीचे जाना है पुली के रेस्पेक्ट में। तो अगर पुली के रेस्पेक्ट में नीचे जाना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड पलट जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर शुड कम नेगेटिव। तो हमें उस डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इक्वेट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन विथ दिस एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब समझ में आ गया? और भी कुछ किसी को डाउट है? आगे बढ़े, चलो समझ गए हो तो तुमको मिलेगा एक होमवर्क इसी टाइप के प्रॉब्लम का। एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ा सा, लेकिन ये तुम लोग घर पे सॉल्व करोगे। इस बार इस ब्लॉक के साथ हमने पुली अटैच कर दिया और फिर उस पुली से दो ब्लॉक अटैच किया। यहाँ पे इसका मास दिया हुआ 5 kg, यू कैन टेक इट एज 10 kg, दिस एज 5 kg, ठीक है? ये पुली फिक्स है, इस 5 kg, ये जो 5 kg है इस स्ट्रिंग के सारे इस पुली से कनेक्टेड है। अब ये 5 kg और ये 5 kg एक सेपरेट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। क्वेश्चन सेम है, यू हैव टू फाइंड
एक्सेलेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग है दोनों में टेंशन पता करना। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट है वो घर पे करोगे, क्योंकि इसमें मोर देन 3 इक्वेशन बन सकते हैं। सर सर क्वेश्चन और एक बार बोले का, ये फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन पूरा सर ये फिक्स्ड है? हाँ हाँ सर वो ठीक सर, वो फिक्स्ड है वो पुली, ये पुली, हाँ ये पुली तो फिक्स है क्योंकि ये सपोर्ट से लगा हुआ, वो अपने जगह पे ही राउंड राउंड घूमेगा, और जब तक बोला मेरे सवाल में ऑल पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस, अगर मास वाला प्रॉब्लम देना होगा तो बता करके दे, यहाँ पुली का मास इतना है या स्ट्रिंग का मास इतना है। हो गया, लिख लिया तुमने, एक्सप्लेन करे? हाँ सर। समझो, अब ये जो 5 केजी ब्लॉक है ये किससे कनेक्टेड है? पुली से कनेक्टेड है। जो 5 केजी ब्लॉक है ये किससे कनेक्टेड है? पुली से कनेक्टेड है। तो अगर ये 5 केजी ब्लॉक ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ ये पुली नीचे आएगा, समझना। अगर इस 5 केजी ब्लॉक को अगर x से ऊपर भेजेंगे तो x से नीचे कौन आएगा? ये पुली आएगा, है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है? अगर इसको x से ऊपर भेजेंगे तो ये पुली इधर x से नीचे आएगा, बिकॉज दिस पुली इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस ब्लॉक, है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो पुली है दिस अगेन विल कम डाउन विद ए v वेलोसिटी, ये ऊपर जाएगा क्या पुली। अभी इन दोनों ब्लॉक के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इन दोनों ब्लॉक के बारे में अभी भी हम नहीं सोच रहे हैं। नेक्स्ट, अगर ये जो ब्लॉक है ये ए से ऊपर अगर एक्सेलेरेट होगा, अगेन दिस पुली विल बी एक्सेलेरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो आप ध्यान से देखोगे ना, आप ध्यान से देखोगे ये पुली एक्सेलेरेशन में आ गया, दिस पुली इज एक्सेलेरेटिंग कितने से? ए से नीचे की तरफ। अगर तुमने माना कि ये बॉडी ये ब्लॉक ए से ऊपर की तरफ जा रहा है तो दिस पुली विल एक्सेलेरेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद एक्सेलेरेशन ए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अब जब तुम इसको समझोगे ना, ये वाला पोर्शन काट के जब यहाँ ड्रॉ करोगे, ये किसमें चेंज हो जाएगा? प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगा। ये किसमें चेंज हो गया? प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में चेंज हो गया, इन विच दिस पुली इज गोइंग विथ an acceleration a in a downward direction। तो यहाँ पे तुम फिर से इसका acceleration मानोगे कि let it be going in upward direction with a1, this one is going in upward direction with a2, ठीक है? तुमने मान लिया कि ये a1 से ऊपर जा रहा है, a2 से ऊपर जा रहा है, अगेन नहीं दिमाग लगाएंगे किधर जाएगा, ऊपर नीचे मान लिया। मानने के बाद फिर जैसे जैसे पहले इक्वेशन लाए थे वहां से 3 इक्वेशन आना चाहिए, और एक इक्वेशन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, क्योंकि इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो 3 इक्वेशन यहां से, एक इक्वेशन यहां, इक्वेशन हुए तुम्हारे पास 4 इक्वेशन। और चूंकि टेंशन जो है, टेंशन यहां का देखोगे, यहां तक का देखोगे, तो वो टेंशन भी तुम्हारे पास दिखेगा, टेंशन का भी कंसिडरेशन यहां करेंगे। तो जो भी इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तुम्हें जो भी अननोन है वो मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी। इस ब्लॉक की अगर बात करोगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो इसमें कितना टेंशन लग रहा है? टी टेंशन लग रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये नीचे की तरफ कितने से जाएगा? इसका वेट लगेगा 50। इक्वेशन लिखोगे तो टी माइनस 50 विल बी 5a। ये पहला इक्वेशन, जल्दी बोलो, ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब बात करते हैं इस पुली का। इस पुली में देखोगे तो इसमें मास नहीं है, तो मैंने बोला था कि अगर मासलेस पुली है तो जितना टेंशन ऊपर लगेगा उतना ही टेंशन किधर लगेगा? नीचे भी लगेगा। तो अगर इसमें टी लग रहा है तो इधर लगेगा टी बाई टू और इधर लगेगा
टी बाई टू, ठीक है ना, क्योंकि पुली अगर मासलेस हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जितना टेंशन ऊपर लग रहा होगा उतना ही टेंशन क्या लगेगा नीचे भी लगेगा, ठीक है ना। तो अगर ये टी बाई टू ऊपर लग रहा है इस स्ट्रिंग के चलते, तो ये दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है यार, ये उसको क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक दूसरे में, ये दोनों क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो इसपे टी बाई टू इसपे टू बाई टू दोनों फोर्स ऐड करके ऊपर, क्लियर है। यानी ये जो दोनों ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करते हो, मैं यही पे कर दे रहा हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो इधर बनेगा टी बाई टू, इधर लगेगा इसका वेट दैट इज 50, इसमें लगेगा टी बाई टू और इधर इसका वेट लगेगा कितना, इट विल बी 100। यहां से इक्वेशन तुमको क्या आएगा, यहां से इक्वेशन आएगा टी बाई टू माइनस 50, इट विल बी 5a1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहां से एक इक्वेशन आएगा टी बाई टू माइनस 100 इज इक्वल टू, इसका वेट कितना है 10, तो 10a2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। देखो इक्वेशन 3 अननोन कितने, इक्वेशन 3 अननोन कितने हैं तुम्हारे पास, इनके बताओ, अननोन 4 है। अगेन एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, एक इक्वेशन की तुम्हें और जरूरत पड़ेगी, अगर वो तुमने इक्वेशन ला लिया तो फिर इक्वेशन के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो इक्वेशन कहाँ आएगा जो मैंने प्रीवियस कंसेप्ट बताया था, वो इक्वेशन को लाने के लिए तुमको प्रीवियस वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो क्या कह रहा है कि अगर पुली पे बैठ जाओगे, जिस पुली का एक्सेलेरेशन हो रहा है उस पे अगर तुम बैठ गए, तो हम कहाँ बैठ गए, इस पुली पे बैठ गए जो कि ए से नीचे की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा था, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है इस पुली के रेस्पेक्ट में ऊपर जाएगा और ये जो ब्लॉक है इस पुली के रेस्पेक्ट में नीचे जाएगा, तो इसका ग्राउंड से जो एक्सेलेरेशन था वो हमने कितना माना था, a1 माना था, ग्राउंड से जो एक्सेलेरेशन हमने माना था वो कितना माना था, a1 इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इस पुले के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इट विल बी a1 माइनस a होगा, ठीक है। अब इसका तुम लोग बताओगे, इसका तुम्हें बताना है कि अगर इसके रेस्पेक्ट में देखते हो तो ये पुली नीचे की तरफ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a माइनस a2, वेरी गुड, ये क्या होगा a माइनस a2 होगा, क्योंकि डायरेक्शन में शो कर चुका हूँ दैट ब्लॉक विल गो इन डाउन ऑफ डायरेक्शन, कितना मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस a2, क्लियर। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे, a1 माइनस a इज इक्वल टू a माइनस a2, इट विल बी, बोलो उस केस में तो सर a2 ये जो था सर पुली का एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा था, यहाँ तो नीचे हो रहा है ना सर। हाँ, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है, जब पुली की इसको जब दोगे, इसको जैसे ही एक्सेलेरेशन दोगे तो ये ऊपर मिलेगा, हाँ, तो उससे यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ये एक्सेलेरेशन जब इसको दोगे तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, इसके साथ क्या होगा यहाँ पे सोच लो, अगर इसको मिलेगा तो a2 तुमने किधर माना था, ऊपर माना था, वो सर a2 माइनस a होगा, उल्टा कर दो, ये जब देख लो ये जब एक्सेलेरेशन है, सुन लो, ये जब एक्सेलेरेशन है ये इसको मिलेगा ना तो किधर मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, अपवर्ड में, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मिलेगा, तो अगर ऊपर की तरफ मिल रहा है ये भी एक्सेलेरेशन, इसको किधर की तरफ मिल गया, ऊपर की तरफ ही मिल गया, तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे कब आएगा, जब इस होल टर्म विल बी नेगेटिव, ये जो ब्लॉक है ये नीचे कब आएगा, जब तुमने इसको और इस दोनों को ऐड किया और दोनों का आंसर नेगेटिव आ गया, क्योंकि अभी हमें a2 a1 का वैल्यू नहीं पता है, दैट मे बी पॉजिटिव दैट मे बी नेगेटिव, तो जब दोनों को ऐड कर रहे हो ये नीचे की तरफ कब आएगा, ये नीचे की तरफ कब आएगा, जब ये दोनों क्या हो नेगेटिव हो, क्लियर है, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो अगर यहां से देखोगे तो होना क्या चाहिए था, a1 प्लस a2 होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों टर्म नेगेटिव होगा, तो उससे सोच के लिखोगे जो भी रिलेशन यहाँ पे लिखोगे, तो अब बोलो क्या लिखें यहाँ पे, a1 plus a2 a1 plus a is equal to minus a plus a2, ये इधर वाला ठीक है, इधर वाला ठीक है, इधर वाला क्या लिखे बताओ, बोलो तुम ही बोलो, a2 minus a लिखे या इसको ऐसे लिखे माइनस a1 plus a2 होगा, तो a2 plus a ऐसा लिखे, हाँ सर उतने बन सकते,
ऐसा लिखेंगे सर, क्यों ए टू तो सर नीचे की तरफ है ना, ए टू नीचे की तरफ नहीं है, ए टू ऊपर की तरफ ही है, लेकिन इसका जो एक्सेलेरेशन है वो नीचे की तरफ है, किसके रेस्पेक्ट में, इस पुली के रेस्पेक्ट में। ए टू को जब हमने स्टार्टिंग में माना था, ए टू को हमने स्टार्टिंग में किधर माना कि ऊपर जा रहा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही जब जो भी हमने कंसिडरेशन किया है उसमें क्या माना है कि ए वन भी ऊपर जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ए टू भी ऊपर जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर वो ऊपर नहीं गया तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आ जाएगा। अब हमें कंसीडर क्या करना है कि हमें देखना है इसका, अगर इसका ध्यान से देखोगे एक एक करके फिर से समझते हैं। देखो ये जो ब्लॉक है ये ए से नीचे की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक ए वन से ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी जो भी सिचुएशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो शो करते हैं, ध्यान से सुन लो, कंफ्यूज मत। हमने ये सारी चीजें मानी हुई है, जो भी चीज यहाँ ड्रॉ करा गया ये सारी चीजें हमने क्या करा है कंसिडरेशन में लिया है। सुन लो पहले सुन लो, बाद में बीच में इंटरप्ट करना। ये क्या है तुम्हारा, ये पुली हमने माना है A1 से A से नीचे जाएगा और ये ब्लॉक दोनों कहा जाएगा ऊपर और ऊपर, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब हमें क्या करना है ना, हमें देखना है इस पुली के रेस्पेक्ट, तो ध्यान से समझ लो, अगर इस पुली के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा इट विल बी हाउ मच, इट विल बी, अगर डायरेक्शन अभी कंसिडर कर बाद में कंसिडर करेंगे तो इट विल बी A1 माइनस A, माइनस बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये जब मिलेगा तो ऐड हो जाएगा ना। हाँ सर ऐड होगा, ठीक है। अब देखो जब ये तुमने A1 प्लस A दे दिया, इसको A1 प्लस अगर A देने का मतलब है कि ये किधर जाएगा, तुमने इसको पॉजिटिव माना है, इसको क्या माना है पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव माना है तो A1 प्लस A इसका एक्सेलेरेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में, जो किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब चलते हैं इसके साथ, इस ब्लॉक के पास अगर जाओगे तो इस ब्लॉक को अगेन ये एक्सेलेरेशन देगा, ये एक्सेलेरेशन तुमको क्या होगा मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसका देखोगे तो दिस A2, ये जो A2 है इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो इट विल बी अगेन A2 प्लस लेकिन इसको जाना किधर है, ऊपर या नीचे, इसको किधर जाना है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि इस पुली के रेस्पेक्ट में हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है कि दिस इज गोइंग इन व्हाट डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसको नीचे की डायरेक्शन में जाना ही होगा। इसको नीचे की डायरेक्शन में जाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, का A2 बड़ा होना चाहिए या A1 बड़ा होना चाहिए, सोचो। ये अगर इसको अगर नीचे की तरफ जाना है तो विच वन शुड बी ग्रेटर, A2 या A1? ये होल जब नेगेटिव होगा तब क्या होगा, तब ये नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्सेलेरेशन देखोगे तुमने इसके कंसिडर कर लिया तो इसका जो मैग्नीट्यूड देखोगे ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको लिख सकते हो माइनस ए, माइनस फ्रॉम लिखोगे तो माइनस ए टू माइनस ए, ऐसे लिखोगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, समझ में आ रहा है, कहाँ जाना चाहिए, ये नीचे जाना चाहिए, तो ये नीचे जाने के लिए अगर ये माइनस साइन बाहर निकाल लो, समझो, कंफ्यूज मत होना, ये माइनस साइन बाहर निकालोगे तो दिस विल बी हाउ मच, माइनस ए टू माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको इक्विवेलेंट कर लो माइनस ए टू माइनस ए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये तुमको मैग्नीट्यूड देगा और ये तुमको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। जस्ट ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है पुली के रेस्पेक्ट। नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो यार जिसको नहीं समझ में आया ये चीज कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा है अभी भी बोलो जल्दी। दिस होल टर्म शुड, ये इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो वो हम नेगेटिव बाहर निकाल लेंगे तो जो टर्म बचेगा वही तो मैग्नीट्यूड देगा ना, है कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइन विल रिप्रेजेंट व्हाट, डायरेक्शन। तो ये वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा तभी ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर मैं उसमें से नेगेटिव खींच लूं तो जो चीज बचेगा वो क्या देगा तुमको, मैग्नीट्यूड देगा, और मैग्नीट्यूड इसका और इसका दोनों का सेम होना चाहिए, क्लियर है। तो अब जो तुम्हारा इक्वेशन आएगा इधर क्या लिखोगे, इट विल बी A1 प्लस A, ये बराबर किसके होगा, माइनस A2 माइनस A। नहीं समझ में आ रहा,
कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा, धुआं धुआं लग रहा है सब कुछ आ रहा है सर, क्या उल्टा, क्या उल्टा पुल्टा बता रहे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है किसी को तो बोल दो, अभी भी कुछ भी उल्टा पुल्टा लग रहा है तो बोल सकते हो, एकदम फ्री हो बोलने के लिए, सबको समझ में आ रहा है। चलो देन अगेन इक्वेशन विल बी ए वन प्लस ए टू विल बी, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने इधर ले लिया, इसको इधर ले लोगे तो दिस विल बी माइनस टू ए एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर्थ। चार इक्वेशन चार अननोन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगेन वही कंसेप्ट जो बार बार दो तीन बार बोल चुके हैं, कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन करे, जो तुमको अच्छा लगे वो मान लो डायरेक्शन। अब क्या करना है, पुली के रेस्पेक्ट में मानना है तो पुली के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अगर इसका ऊपर ले रहे हो तो ये नीचे जाएगा, तो इसको इसको नीचे जाने के लिए मैग्नीट्यूड इसमें से देखने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन खींचेंगे, मैग्नीट्यूड दिख जाएगा, ये मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, सॉल्व करा एक इक्वेशन आया। समझ गया सर, ठीक है सब कोई समझ गया, एक बार जल्दी से हाँ हाँ ना ना बोल दो, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो ना बोल बोल सकता है। सबको आ गया, कितने बच्चे हैं, तुम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर इग्नोर मार रहे हो? नहीं सर, ज्यादा इंटेलिजेंट हो? नहीं। अच्छा तो फिर आपने जो बोला कोई भी नहीं? अच्छा कुछ समझ गया, मत ना तो इंटेलिजेंट हो ना ही इग्नोर मार रहे हो। हाँ। चलो वेरी गुड, मतलब समझ गए, मेरे लिए उतना ही काफी है। ठीक है, घर पे सॉल्व कर लेना, जो जो वैल्यू दिया उसको पुट करना, टी वन का वैल्यू, टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ए वन सॉरी एक्सेलेरेशन ए टू ए वन और ए पता चल जाएगा, यही तू यही चीज तुमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, चार इक्वेशन है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम जाएगा, अभी इतना ही रखते हैं। कुछ बच्चों ने सवाल डाला है ग्रुप पे, एक जो उसमें से सवाल है ना जिसने एंगुलर मोमेंटम डाला हुआ है, एक बच्चे ने किसी ने एंगुलर मोमेंटम डाल दिया, एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन डाल रहा है क्योंकि उसको शायद वो क्वेश्चन दिखा कहा होगा, वो दिखा होगा प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, तो अब प्रोजेक्टाइल में दिखा होगा तो उसको लगा कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना ये रोटेशन का, क्योंकि रोटेशन में तुम क्या पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम का नाम सुने हो ना, एंगुलर मोमेंटम कहाँ पढ़ते हैं, रोटेशन में पढ़ते हैं। तो रोटेशन का बेसिकली जो क्वेश्चन तुमने भेजा है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्रोजेक्टाइल मोशन, वो दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है। तो अभी तुमने क्या पढ़ा है, अभी बस तुमने पढ़ा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन और रोटेशन पढ़ा नहीं है। ठीक है, अगर दोनों पढ़ लोगे देन यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अरे बात समझ, मैं बता दूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या, मैं सॉल्व करूंगा, आधे लोग समझेंगे आधे लोग नहीं समझेंगे, जिसने रोटेशन पढ़ा होगा वो समझ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम रोटेशन पढ़ लेंगे, तो रोटेशन में जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे ना, तो एक बार याद दिला देना कि सर एंगुलर मोमेंटम और प्रोजेक्टाइल से कनेक्टेड एक क्वेश्चन था वो बता दीजिए। क्लियर है, अब जिसका सवाल है उसका ये ड्यूटी है कि जब जिस दिन मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा उस दिन याद दिलाएगा कि सर एक सवाल पूछा था मैंने जो प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर मोमेंटम को कनेक्ट करके पूछा था। वो जैसे ही एंगुलर मोमेंटम बता देंगे ना, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम खुद से कर लोगे। ठीक है, जैसे मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ा दूंगा वो तुम अपने से कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं बाकी दो प्रॉब्लम है उसमें, बाकी दो प्रॉब्लम में क्या है समझना, इधर से एक कोई हंटर है जो क्या करता है बुलेट फायर करता है, और इधर एक बर्ड है, इधर एक बर्ड है और इधर एक हंटर है जो बुलेट फायर करता है बर्ड को मारने के लिए। अब समझो इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं याद है, मान लो मैं दैट इज आर, उसको मैं क्या आर मान रहा हूँ, आर मान रहा हूँ, और जो बुलेट निकला है वो यू स्पीड से निकला है। अब समझो अगर तुमने स्ट्रेट इसको हिट कर दिया, ओरिजेंटल डायरेक्शन में ही इसको हिट कर दिया, तो क्या होता है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में जब इसको हिट करोगे ना तो ये ऐसे जाएगा और बर्ड के पास पहुंचने से पहले ही जमीन में कहीं गिर जाएगा। ठीक है, जिसको बुलेट ड्रॉप बोलते हैं, पबजी खेलते हो या बीजीएमआई खेलते हो, जब स्नाइपर शॉट लगाते हैं ना, जो खेलता होगा वो समझ जाएगा कि जब स्नाइपर शॉट लगाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर करके लगाते हैं, ना कि सीधे, मतलब हेड शॉट मारोगे तो वो नीचे लगेगा, बॉडी पे लगेगा, क्योंकि जब जो पबजी बना हुआ है ना उसमें थोड़ा मैकेनिज्म यूज किया गया हुआ, फ्री फायर में नहीं किया गया, फ्री फायर में मार सकते हो डायरेक्ट कितना भी दूर का, उसमें बुलेट ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन बीजीएमआई ने थोड़ा सा क्या करा है, जो फिजिक्स का कंसेप्ट है उसने यूज करा है कि अगर बहुत ज्यादा दूर का स्नाइपर शॉट ले रहे हो तो देयर इज ए कंसेप्ट नोन एज बुलेट ड्रॉप। तो अगर कोई प्लेयर है तो उसको बुलेट ड्रॉप का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो क्या होता है,
प्रोजेक्टाइल के चलते, प्रोजेक्टाइल मोशन के चलते तुमने देखा होगा कि जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, जब ऐसे मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंकते हो तो क्या होता है, ग्रेजुअली नीचे की तरफ जाता है, जाता है कि नहीं? जब हाइट से किसी बॉल को फेंक रहे थे तो क्या हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। वही सेम चीज है कि जब हॉरिजॉन्टली तुम बुलेट हिट कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा कि वो बर्ड के पास पहुंचने से पहले ही कहां चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, वो बुलेट को, वो बुलेट बर्ड को हिट ही नहीं करेगा। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि हम क्या करेंगे, बर्ड को हिट नहीं करेंगे, इसके ऊपर एम लेकर के इसको हिट करेंगे। क्या करेंगे, बर्ड को नहीं हिट करेंगे, कहां हिट करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर हिट करेंगे ताकि ड्रॉप होकर के, बुलेट ड्रॉप होकर कहाँ पहुंच जाए, बर्ड के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो वही तुमसे पूछ रहा है कितना ऊपर हिट करना है, यानी बेसिकली ये तुमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है हाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके का होगा, जाकर के बुलेट का ही और गिरेगा अगर बर्ड नहीं होती तो, लेकिन बर्ड है तो उसके चलते बुलेट ड्रॉप हो रहा है, वो देख के कहाँ मारेगा, यहाँ पे। लेकिन बुलेट ड्रॉप होने के चलते वो कहाँ जाकर के लगेगा, बेसिकली जो मोशन होगा दैट विल बी स्ट्रेट, और वो जाकर के किसको हिट कर देगा, बर्ड को हिट देगा। तो तुमको ये निकालना था। तो यहाँ पे दो चीजें तुम्हें माननी पड़ेगी, पहला थीटा एंगल जिसपे तुम हिट करोगे, और उस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में तुम्हें क्या निकालना है, इस एच को कैलकुलेट करना, यानी ये किसका, ये कौन सा, ये किसके कंसेप्ट से बनेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट से बनेगा, जहाँ पे तुमको दो चीजें माननी पड़ेगी, फर्स्ट दिस हाइट एच और दूसरा एंगल थीटा, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे थे सर, ये जो एच है ये सर प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट जो है वही, हाँ वो मैक्सिमम हाइट कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज इन दैट केस जो तुम्हारा ये होगा बुलेट ड्रॉप होगा जाकर के इसको हिट कर देगा, क्योंकि वो जस्ट तुमसे पूछ रहे कितना हाइट ऊपर हिट करोगे, इतना हाइट तुम्हें क्या करना है, ऊपर हिट करना है, तो ये मैक्सिमम हाइट होगा, समझे कैसे हिट करना है। देखो एम लगा करके तुमने यहाँ पे हिट करा ना, तो जो बुलेट होगा उसको जाना कैसे चाहिए, ऐसे जाकर के हिट करेगा बॉर्ड को, क्योंकि तुमने क्या एम लगाया कि तुमको दिखेगा ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज बेसिकली योर व्हाट, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। अरे बात समझ में, क्योंकि तुमने एम ऐसे करा है, एम थोड़ा सा ऊपर उठाकर करा है, तुमको क्या दिख रहा है, चिड़िया यहाँ पे है, तो चिड़िया नहीं दिख रहे हो, तुम कहाँ दिख रहे हो, एक थोड़ा सा ऊपर देख रहे हो, दिस इज योर एज, दिस इज बेसिकली योर मैक्सिमम हाइट। और बुलेट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, आकर के बर्ड यहाँ पे बैठी हुई है उसको हिट कर देगा, समझ में आ रहा है। और अगर इसी को ध्यान नहीं दोगे तो फिर बुलेट कैसे जाएगा, इधर ही जाकर के गिर जाएगा। जिसने सवाल भेजा था उसको समझ में आ रहा है, बोलो जिसने भेजा तो वो है कि नहीं, पता चले वही गायब है वो। हाँ सर, हाँ सर। समझ में आया तुमको क्या बोल रहा है, तो मैक्सिमम हाइट होगा, हाँ मैक्सिमम एच निकालना है तुमको, तो ये थीटा निकाल लो, आर दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, थीटा निकाल लो, एच निकाल लो, मतलब दो अननोन है, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। एक बार रेंज का इक्वेशन लिख लो, देखो रेंज इज गिवन और यू गिवन है, और एक बार हाइट का इक्वेशन लिख लो, उन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, जैसे तुमने क्वेश्चन में देखा होगा कि जो भी वैल्यूज दिए हुए बहुत कम दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐसा करके दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ऊपर मारना होता है, बुलेट का जो स्पीड होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा बुलेट ड्रॉप नहीं होता, कम ही बुलेट ड्रॉप होता है, ये एच निकालोगे काम बन जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़े, चलो ट्राई करना, नहीं होगा फिर और एक बार और बताएंगे, लेकिन अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो फिर तुमको फील नहीं होगा, एक बार जाकर के ट्राई करना, मैं तो सॉल्व कर दूंगा इसको, इक्वेशन या जो भी फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करो, काम बन गया। नेक्स्ट एक बच्चे ने सवाल पूछा है, वो भी बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। एक और बच्चे ने किसी ने सवाल पूछा है जिसमें तुमको वेलोसिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ तुमको, वेलोसिटी दे दिया है, इन विच फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ आई एंड जे, ठीक है ना, वो कुछ दिया होगा, मैं आर्बिट्री कुछ ले रहा हूँ, जैसे ए आई प्लस बी जे, ये एक्सेलेरेशन तुमको दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट दूसरा चीज क्या दिया हुआ तुमको, एक्सेलेरेशन ए दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन इज, जो एक्सेलेरेशन ए है इट इज गिवन एज, मान लो इट इज सी जे प्लस डी जे कैप, ये तुमको क्या दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है तुम्हारा क्या बोलना है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ। तुमसे पूछ रहा है कि बताओ पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है ना। पार्टिकल कहाँ था, ओरिजिन पे था,
इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन से अगर चलना शुरू कर रहा है तो उस पार्टिकल का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना होगा। मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कहने का मतलब है ना, तुमसे एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मतलब अगर तुम एस निकालोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। वेक्टर फॉर्म अगर देखोगे तो एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है। अब ये एस जो है इसमें, इस एस में एक्स का भी तुमको एक्स का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा और वाई का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अगर इसको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो यहां से लिख सकते हो, और नहीं तो मैंने बताया हुआ है कि अगर अलग अलग दिया हुआ है एक्स और वाई जेड में, तो यू कैन कंसिडर एक अलग मोशन, एक अलग इंडिपेंडेंट मोशन और एक दूसरा इंडिपेंडेंट मोशन, दोनों को कंबाइन कर दो, एक एक्स वाई डायरेक्शन, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो वैसे करोगे, सेपरेटली भी कर सकते हो। अब यहाँ से एस वेक्टर जो है इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है, इट विल बी ए टी आई कैप प्लस बी टी जे कैप, इधर क्या होगा प्लस हाफ एक्सेलरेशन दिया हुआ सी टी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं सीधे, तो सी टी स्क्वायर आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा तुमको डी टी स्क्वायर जे कैप। अब तुम्हें करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है डिस्प्लेसमेंट को, क्या करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम को, क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें जो भी इस एस में जो एक्स आई कैप प्लस वाई कैप होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किसका फंक्शन है, इस एक्स और वाई, ये जो एक्स है एक्स आई और वाई जे है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। क्योंकि अगर कोई एक्स लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, एक्स इज इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ इधर सी टी स्क्वायर, यानी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम। एक्स किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। सिमिलरली वाई का अगर कोई मैग्नीट्यूड लिखेगा तो वाई विल बी बी टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर, मतलब बोथ आर डिपेंडिंग ऑन व्हाट, बोथ आर डिपेंडिंग ऑन टाइम। और इसी का तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, यानी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉल्व करोगे एक टाइम की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर दो, दैट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली वाई को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, इक्वेट करो जीरो से, जो टाइम का वैल्यू आएगा में पुट करोगे, दैट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। समझ में आ रहा है ये किसका प्रॉब्लम है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगर तुमने मैक्सिमा मिनिमा नहीं समझा अच्छे से तो फिर ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि x किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करके इक्वेट करना होता है जीरो से, और वहां से जो वैल्यू आती है यहाँ पुट करते हैं तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो यहाँ सॉल्व करोगे ना तो तुमको सिंगल रूट मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करोगे डिफरेंशिएट करके अगर सॉल्व करोगे तो एक ही रूट मिलेगा, ठीक है ना। और अगर एक रूट मिला हुआ और क्वेश्चन मैक्सिमा का है तो पक्का वो मैक्सिमा ही देगा, वहां से आंसर मिनिमा नहीं आएगा, ये अंडरस्टूड है। दोबारा डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद एक टी की वैल्यू आएगी, जैसे मैं इसका बता दे रहा हूं, अगर इसको सॉल्व करोगे dx by dt अगर निकालते हो तो इट विल गिव हाउ मच, dx by dt विल बी a प्लस 2ct, 2 कैंसिल आ जाओ आउट हो जाएगा, ct होगा। और ये जीरो के बराबर करोगे तो t विल बी माइनस c बाई a। अब जो भी क्वेश्चन में सी और ए का वैल्यू होगा यहाँ पुट करोगे, इस टाइम के लिए ए विल बी मैक्सिमम, एक्स विल बी मैक्सिमम, इस वैल्यू को यहाँ उठा करके पुट करो, इस वैल्यू को यहाँ उठा करके पुट करो, एक्स का जो रिजल्ट आएगा डेट विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली वाई के लिए भी वही काम करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से, जो भी रिजल्ट आएगा पुट कर देंगे वाई में। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है ना, जिसने पूछा था उसको क्लियर है क्या करना है? हाँ सर, ठीक है, ट्राई करोगे सॉल्व करके, या कोई भी बच्चा जो सॉल्व कर लेगा वो ग्रुप में डाल देगा, ताकि जो नहीं कर पाया वो एक बार देख करके समझ जाएगा। मैंने इधर समझा दिया, अगर ग्रुप में डालने के बाद भी किसी ने आंसर डाल दिया फिर भी तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी मेरे से पूछ सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं है, दोबारा समझा दीजिए, फिर मैं जो जो डेटा दिया हुआ ना उस डेटा को यूज करके ही समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने जनरल प्रॉब्लम दिया हुआ है, जनरल तरीके से सॉल्व करवाया, कि कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप का हो तो मैं इजीली सॉल्व कर सको, जरूरी नहीं कि हमेशा वैल्यू तुमको दिया हुआ, एक तरीके से ये जनरल मैंने सॉल्व कर दिया कि अगर इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम तुमको आता है जहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि ओरिजिन से पार्टिकल कितना मैक्सिमम दूरी पे जाएगा, कितना मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कवर करेगा, तुम इसको यूज करके इजीली कैलकुलेट कर सको। ठीक है, हटा दे इसको, समझ में आ गया ना सबको?
अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं, फिर भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है। जैसे एक एक सीलिंग है, मे बी सीलिंग हो सकता है या कोई ब्रांच हो सकता है, उस ब्रांच से एक रस्सी बांध के रखा हुआ, ठीक है, समझना क्या हुआ, एक सपोर्ट है, एक फिक्स सपोर्ट है, सपोर्ट से हमने क्या करा है, रस्सी बांध करके रखा हुआ। तो एक बंदर है, बंदर के पास क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर वो नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ जाएगा, समझना, ऊपर की तरफ अगर बंदर जा रहा है कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन से, मतलब उसका कुछ एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन जीरो है, तो इस पे जो टेंशन लगेगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स वेट। समझ लो क्या बोल रहा हूँ, बंदर है रस्सी पकड़ के किधर जा रहा है, ऊपर, लेकिन किसके साथ, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर बंदर रस्सी पकड़ के कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ जाता है तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन जीरो, और जब एक्सेलेरेशन जीरो होगा ना तो टेंशन इन द स्ट्रिंग या टेंशन इन द रोप विल बी वेट ऑफ द मंकी, मतलब mg के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? और अगर वो एक्सेलेरेशन नॉन जीरो जाएगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी भी चेंज करेगी टाइम के साथ, इन दैट केस दिस टेंशन विल बी नॉट इक्वल टू mg, वो mg से ज्यादा भी हो सकता है और mg से कम भी हो सकता है, ठीक है। अब ज्यादा कब होगा और कम होगा वही हमें कैलकुलेट करना है, कब किस केस में ज्यादा होगा और किस केस में कम होगा। अब देखो ये जो मंकी है वो ये ऊपर की तरफ जब जाएगा तो रस्सी को किधर पुल करेगा, नीचे की तरफ। अब मंकी ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो रस्सी को किधर पुल करेगा, नीचे की तरफ। तो एक तरीके से मंकी जो है ना वो रस्सी पे किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ पुल कर रहा है जिसके हेल्प से वो ऊपर जा रहा है, तो वो एक फोर्स। और एक मंकी का खुद का क्या लग रहा है, नेट जो बॉडी का वेट है वो भी लग रहा है, और दोनों किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। मतलब अगर मंकी नीचे से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा होता है, सुन लो, अगर मंकी नीचे से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट होगा तो ये जो धागा इस पे दो फोर्स लगेगा, एक एक्सेलेरेशन जिसके चलते m into a आएगा, इसके चलते वो फोर्स, क्योंकि वो a से एक्सेलेरेट हो रहा है, जिसके चलते एक फोर्स आएगा जिसको आगे हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स भी बोलते हैं, जो तो उसके लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना होता है। तो ये जो मास इंटू एक्सेलेरेशन है ना, ये मंकी अगर ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करेगा तो दिस मास इंटू एक्सेलेरेशन विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द रोप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मंकी ए से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है तो ये मास इंटू एक्सेलेरेशन इस रोप पे किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो जो नेट फोर्स निकालोगे, नेट टेंशन निकालोगे इन दैट केस, वो क्या होगा, एम ए जो इस एक्सेलेरेशन के चलते आया प्लस एम जी तो उसके वेट के चलते आया, यानी टेंशन ऑन दी रोप व्हेन मंकी इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलेरेशन ए, इट विल बी एम ए प्लस एम जी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा था, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो रहा था तो ये एक्सेलेरेशन जीरो था, जब वेलोसिटी क्या था तुम्हारा, कांस्टेंट था, तो ये एक्सेलेरेशन जीरो था, और जैसे ही एक्सेलेरेशन जीरो हुआ टी किसके बराबर हो गया, टी बराबर हो गया एम जी का, जो पहले बताया हुआ, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, मंकी किधर चल रहा है, ऊपर की तरफ, मंकी किधर जा रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है ए से ऊपर की तरफ, तो ए से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करने के लिए वो रस्सी को किधर खींच रहा होगा, नीचे की तरफ, है कि नहीं, रस्सी को किधर खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। तो रस्सी को अगर ए से नीचे की तरफ खींचेगा तो एक फोर्स लगेगा रस्सी के ऊपर, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द मंकी, मंकी का मास, मंकी का एक्सेलेरेशन, इतना फोर्स इस पे लगने लगेगा। और ये जो फोर्स है, ये मंकी जब ऊपर जाएगा, ए से ऊपर एक्सेलेरेट होगा तो नीचे की तरफ लगेगा, तो नीचे पहले से एक और mg, ये तो पहले से था मंकी के वेट के चलते, क्योंकि वो रस्सी को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, उसके चलते एक एक्स्ट्रा फोर्स आया, मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये दोनों ऐड होकर क्या देगा तुमको, टेंशन देगा, नेट टेंशन इन द रोप व्हाइल मंकी इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं जब नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ अगर एक्सेलेरेट होगा तो समझना, तो अगर मंकी ऊपर से नीचे की तरफ एक्सेलेरेट होगा, ये जो एक्सेलेरेशन है इसमें बस थोड़ा सा चेंज होगा, टेंशन विल बी एम जी माइनस एम ए, क्योंकि इस बार एक्सेलेरेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। तो इन दिस केस जो इस एक्सेलेरेशन के चलते फोर्स आएगा दैट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब मंकी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन को कैन यू राइट लाइक, अगर मंकी नीचे की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे मंकी अगर नीचे की तरफ ए से एक्सेलेरेट हो रहा है तो
कोई ऐसे लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? हाँ सर। अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ए से इधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितने से? माइनस ए से। तो ये माइनस और ये मिल करके क्या हो जाएगा? अपने आप अल्टीमेटली डायरेक्शन चेंज कर देगा नीचे की तरफ। तो अगर ये समझ गए हो तो ये पोर्शन भी समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा है, बस ए की जगह माइनस ए रख दिया। जब मंकी नीचे से ऊपर जाएगा रस्सी में टेंशन ज्यादा होगा इसके वेट के रेस्पेक्ट में, वेट से ज्यादा होगा। जब मंकी ऊपर से नीचे आएगा तो जो टेंशन होगा वो वेट से कम होगा, क्योंकि इसमें एम जी माइनस ए है। मैं क्या है तुम्हारा? एम जी माइनस ई। ये और क्लियर होगा जब हम सूडो फोर्स अच्छे से पढ़ लेंगे। सूडो फोर्स अभी डिस्कस करेंगे कि सूडो फोर्स क्या होता है, और सूडो फोर्स समझते ही जो तुम्हारा सूडो फोर्स में एक आध टाइप के, दो तीन टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, उस पर कुछ ना कुछ करेंगे हम, एक आध सवाल कर लेंगे। जैसे सूडो फोर्स में हम पढ़ेंगे जब कोई हाँ लिफ्ट है, लिफ्ट अगर ए से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, लिफ्ट अगर नीचे की तरफ ए से एक्सेलेरेट कर रहा है, तो उस टाइम में तुम अपना वेट मेजर करोगे, तो वेट में क्या क्या चेंजेस आने वाली है वो सारी चीजें करेंगे। ये टेंशन वाला जब उधर पढ़ेंगे सूडो फोर्स लगा करके, सूडो फोर्स समझ करके कि सूडो फोर्स क्या होता है, किधर लगता है, तो और क्लियर हो जाएगा तुमको, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है, अगर मंकी ऊपर की तरफ ए से एक्सेलेरेट हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, डेट विल बी हाउ मच? मास इनटू एक्सेलेरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मंकी नीचे की तरफ आ रहा है तो देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप इन अपवर्ड डायरेक्शन, डेट विल बी एम ए। और चूंकि ये एम ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है तो ये जो वेट होगा उसमें से घटाएंगे। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? एम जी माइनस एम ए लिखा हुआ, ठीक है। और मंकी अगर जस्ट होल्ड करके रखेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा, मंकी जस्ट होल्ड करके बैठा है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, देन इन दैट केस टेंशन विल बी जस्ट एम जी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। और अगर उस रोप पे मंकी है, उस रोप पे मंकी है चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो रोप पे हमेशा टेंशन होगा, इट विल नेवर बी जीरो, ठीक है। रोप पे अगर मंकी है हमेशा टेंशन जीरो होगा, बस एक कंडीशन में कि उस मंकी का इस रोप पे फ्री फॉल ना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर मंकी इस रोप पे फ्री फॉल छोड़ करके कोई और कोई भी मोशन करे, ऊपर जाए नीचे जाए कैसा भी मोशन करे, और अगर फ्री फॉल ना करे तो दैट टेंशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इस केस में देख लो, इसमें तो पॉजिटिव होना ही है क्योंकि इसमें दोनों ऐड हो रहा है। इस केस में कब तक ये पॉजिटिव होगा? जब तक एम जी और एम ए बराबर ना हो जाए। और एम जी एम ए कब बराबर होगा? व्हेन एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाए जी के। और जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो एक तरीके से मंकी रोप पे क्या कर रहा है? जी से नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज फ्री फॉल। और इन केस ऑफ फ्री फॉल इस रस्सी में टेंशन जीरो होगा, ठीक है ना, क्लियर है? हां सर, समझ में आ गया ये कंसेप्ट। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबका, जिसने ग्रुप में डाउट भेजा था सबका क्लियर है? जो नहीं बताया वो क्यों नहीं बताया वो भी बता दिया, समझा दिया कि क्यों नहीं अभी बता रहा हूँ रोटेशन में। तुम मुझे मेरे बताए से पहले तुम कर लोगे उसको, ठीक है, समझ जाओगे कैसे करना है। इजी है वो बहुत ज्यादा, कर लोगे आराम से। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।